स्वतः प्रेरित, कोई सामान की जरूरत होगी तो दो तीन लोग हमारे चाहिए जाएंगे ले आएंगे और सबको बांट देंगे। मुझे लगता है इस स्तर का जनजागरण करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत अप्रत्याशित है। मैं डरने की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो आखिरी सांस तक काम करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अवेयरनेस के बिना काम नहीं चलने वाला और जनता के साथ के बिना काम नहीं चलेगा। और इसलिए सब अपील करें कि रहवासी संघ, कॉलोनी, मोहल्ला कमेटी, ये कैसे प्रेरित हो सकती है कि हमें 15 दिन नहीं निकलना था अपने घर से। आज गुलमोहर का पौधा रोपा है, कोरोना की स्थिति, संक्रमण लगातार बढ़ते रहने की है, बड़ी संख्या में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित सक्रिय प्रकरण आ रहे हैं। बढ़ती हुई संख्या को देख के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ती रहे, आज ही मैंने दिल्ली बात की है, एम्स भोपाल में जितने बेड खाली है वो अब कोविड के पेशेंट्स के लिए उपयोग किए जाएं, और खाली हो तो उनको कोरोना के इलाज के लिए रिजर्व किया जाए। आरकेडीएफ पीपुल्स में भी बेड्स बढ़ाए गए, इंदौर में इंडेक्स अस्पताल ले लिया गया है। अभी जो बिस्तरों की संख्या है 9 अप्रैल तक सरकारी अस्पतालों में 17,492 और निजी अस्पतालों में 13,250 थे। कुल मिला के कोविड के इलाज के लिए 30,742। अब जो हमने संख्या बढ़ाई है 13 अप्रैल तक, तो 19,410 बेड सरकारी अस्पतालों में और 17,036 बेड अब प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाए जा चुके हैं। कुल मिला के 36,446 बेड हमारे पास कोविड के इलाज के लिए आज उपलब्ध हैं। उपलब्ध मतलब पेशेंट्स भी हैं कई। 5 दिन में कुल मिला के 5,700 से अधिक बेड बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना, जहां सामान्य लक्षण के मरीजों को एडमिट किया जाएगा, अभी 52 में से 43 जिलों में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिनके बिस्तर की क्षमता लगभग 7,215 है और सामान्य या कम लक्षण वाले पेशेंट्स के लिए अलग अलग जिलों में संख्या थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिला के 4,847 बेड्स अभी उपलब्ध है। अभी 9 जिले बचे हैं जहां भी कोविड केयर सेंटर बनने हैं। आज मैंने सवेरे से अब तक लगभग हर जिले में जिला प्रशासन से चर्चा की है, वहां की स्थितियों की जानकारी ली है और 3 बजे अभी हमारी फिर बैठक है, जिसमें प्रभारी मंत्री भी, जिनको कोविड प्रभारी बनाया गया है, ऑफिसर्स रहेंगे। हम फिर आगे की स्थिति पर बात करके जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाएंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए,
उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी, 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई, 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे, क्योंकि टैंकर से हमारे यहां ऑक्सीजन आती है दूसरे राज्यों से, और रास्ते में ऐसी स्थिति भी बन जाती कि आने में देरी लगती है तो उनको एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा घोषित कर दिया गया है, और पुलिस के संरक्षण में टैंकर चलें और समय पे आ पाएं, क्योंकि डिले हम उसको नहीं होने दे सकते। टैंकर्स की उपलब्धता भी लगातार, और टैंकर्स कैसे मिले इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने जब से प्रयास प्रारंभ किया 31,000 इंजेक्शन हमको प्राप्त हो गए, 2,000 अभी आज आने वाले हैं, फिर 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन और मिलेंगे जो हमने ऑर्डर दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितने संभव उपाय हैं सभी किए जा रहे हैं, क्योंकि सारे देश में कोविड पैर पसार रहा है, और इसलिए युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकल भी मैंने अस्पतालों को कहा है, 2 अफसर हमने तय किए, एसएन मिश्रा और नरहरी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम देख रहे हैं। कई छोटे छोटे अस्पताल है जिनने कोविड का उपचार करना शुरू कर दिया, और वहां से वो अचानक कई बार कहते हैं कि अब ऑक्सीजन चाहिए, तो कहा कि पहले से टाई अप करके समय रहते पता चले कि कहां कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। एक हम ऑक्सीजन का ऑडिट भी करेंगे कि जितनी जरूरत है उतनी लग रही है, या उसके निर्देश भी हमने दिए हैं। मैं प्रदेशवासियों से एक अपील जरूर करना चाहूंगा, कई जगह कोरोना कर्फ्यू लगा है, जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलकर लगाया है, जनता की भावनाओं के अनुरूप ये स्थिति ऐसी है जिसका सामना पहले देश और दुनिया ने कभी नहीं किया। हम कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संसाधनों की सीमा होती है, इसलिए बेहतर यह है कि सब अपने स्तर पर कोशिश करें कि संक्रमण बढ़ने से रुके। इसलिए मैं ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने गांव में वो बैठ के तय करें कितना शहर जाना है कितना नहीं जाना है। जरूरी नहीं हो तो अभी नहीं जाए, अवॉइड करें, नहीं जाए। शहरों में रहवासी संघ तय कर सकते हैं, कॉलोनी तय कर सकती है कि हमारी कॉलोनी से कोई अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएगा। यह संयम रखने का समय है और सबको साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए मोहल्लावासी, जिम्मेदार नागरिक, कॉलोनी के लोग, रहवासी संघ, अलग अलग जितने संगठन हैं, मैं कल से अभियान शुरू कर रहा हूं, सब संगठनों से बात करूंगा अलग अलग। अब कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए मैं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अपील करूंगा कि वहां कोविड केयर सेंटर चलाएं, जहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगना है, किट रहेगा, और एकदम जिनके लक्षण नहीं है ऐसे पेशेंट्स अगर घर में होम आइसोलेट नहीं हो सके तो वहां रह लें। पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रशासन काम नहीं करेगा, जी जान लगा देंगे, जब तक सांस है तब तक मैं काम करूंगा, लेकिन
व्यापक रूप से जनता के सहयोग की जरूरत है इसमें, और इसलिए समाज से भी स्वयं से भी संगठन निकले। मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर सब निकल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। स्वास्थ्य आग्रह के समय जो हमें मिले थे जिन्हें अपने आप को रजिस्टर कराया है, और मीडिया के मित्रों से भी अपील है कि स्थिति संकटपूर्ण है लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा करने में और जनता में विश्वास बनाए रखने में कृपया करके सहयोग